हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसमें हम कंप्लीट करेंगे हमारा यूनिट 4 का टॉपिक इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो काफ़ी छोटा टॉपिक है, कम टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, और इसके साथ ही आपका जो मेजॉरिटी पोर्शन है यूनिट 4 का वो भी कंप्लीट होता है। बस लास्ट चैप्टर बचा है हमारा, एंड देन उसके बाद हम यूनिट 5 कवर करेंगे, एंड यूनिट 6 का मैं आपको PDF दे दूँगी, एंड इसका मैं एक MCQ सेशन लेके आऊँगी, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ स्कीम्स पढ़नी है, तो इसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं है डिस्कस करने वाला। ठीक है, तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स का PDF चाहिए, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करनी होगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, 2 लिंक्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, एक मेरे UPSC वीडियोस पे चलती है, आपको उस लिंक में नहीं जाना है, वो वहाँ जो PDF अपलोड होता है वो UPSC का मटीरियल है, आपको वही लिंक ज्वाइन करनी है जो आपको SSB के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। प्लीज़ 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 आप ये कन्फ्यूजन में मत रहो, क्योंकि इससे आप कॉमेंट करते हो एंड बाकी स्टूडेंट्स भी फिर और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक, तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको यहाँ पे GK वाला जो पोर्शन है आपका SSB का विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, उसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। करंटली हम उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं। ठीक है, एंड मैं MCQs के वीडियोस भी लेके आती हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट आपको सेपरेटली मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप ये सब कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप यू वॉन्ट रिग्रेट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। दिस इज मी करत मलिक, इंजीनियर रिसर्च स्कॉलर इन सोशोलॉजी, UGC नेट सोशोलॉजी क्वालिफाइड, 6 years of teaching experience, and I have also taught at online platforms like StudyIQ and Unacademy। ठीक है, तो जो मेरा काम है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको टेस्ट सीरीज वीडियोज वगैरह सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन सेंड मी सुपर थैंक्स, जो आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो हार्ट के अंदर जो $sign बना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो काफ़ी छोटा टॉपिक है, सिंपल सिंपल सी बातें आपको जल्दी समझ में आएंगी। अब देखो, हमारे पास इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ऑलरेडी बहुत काम हो रहा था, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी थे, वो डेवलप हो रहे थे सोसाइटी में, आपकी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, हर जगह। जैसे आपका GDP बनता है कंट्रीज़ का, या GNP बनता है, GDP। तो GDP क्या होता है आपका, जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं आपकी कंट्री में, उसका एक मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, आपको इसके डिटेल में नहीं जाना, ये कॉन्सेप्ट आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर बस थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए आपको समझाना पड़ रहा है। GDP एंड GNP इज योर, अगर अब यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे सर्विस फॉर एग्जाम्पल नेपाली देते हैं, बांग्लादेशी देते हैं, जो वो उनकी इनकम है, वो इनकम बाहर जाती है, वो अपनी कंट्रीज में भेजेंगे, और जो इंडियंस बाहर काम करते हैं उनकी इनकम कहाँ आती है, इंडिया में। तो वो सारा एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास सामने आता है दैट इज योर GNP। जब हम ओवरऑल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ देखेंगे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, वो आपका GDP हुआ। ठीक है, तो GDP GNP कहने का क्या मकसद था, ये हमारे पास ऑलरेडी था, जो हमें इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर बता रहा था क्या है ग्लोबली या कंट्री वाइज, लेकिन हमारे लिए इतना काफ़ी नहीं था, हमें सोशल डेवलपमेंट का देखना था। क्या आपको GDP से ये पता चलता कितने लोग खुश हैं बेसिकली, तो आपको एक हैप्पीनेस रिपोर्ट भी चाहिए थी। क्या आपको इससे पता चलता कि जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ पहुंची है, वुमेन एम्पावरमेंट पे कितना काम होना बाकी है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, जो हमने पढ़ा था लास्ट पॉवर्टी वाले चैप्टर में, वो कहाँ पहुंची है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें नहीं पता थी, तो काफ़ी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ी, इस वजह से हमें ध्यान देना पड़ा सोशल डेवलपमेंट पे भी। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बता सकती है, क्या हो रही है इकोनॉमिकली, आप कितना डेवलप हो रहे हो, लेकिन सोशल डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत थी, कुछ अलग इंडिकेटर्स आपको चाहिए थे, जो आपको ये बताते कि ग्लोबली कंट्री वाइज आपकी जो कंट्री है वो कहाँ रैंक करती है, एंड देन किस किस इंडिकेटर में आपको क्या क्या चीज़ देखनी है, जो हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट इज समथिंग मोर देन मटेरियल और इकोनॉमिक वेलफेयर। GDP एस्टिमेट्स fail to capture these, and hence there is a need for alternative indicators of social development। आपको alternative indicators चाहिए थे, again for this reason जो मैंने कहा, सिर्फ economy से आप नहीं चलते, आपको socially बताना था आपकी country क्या कर रही है, आपको social development of the country जो है वो बतानी थी। पहले हम देखते हैं अलग अलग इंडिकेटर्स क्या है सोशल डेवलपमेंट के, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा कंसेप्चुअल भी आ जाए इस टॉपिक में, एंड फैक्चुअल आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी रिपोर्ट्स हैं उनके, पब्लिक किसने रिलीज़ की है, इंडिया का रैंक क्या है, और कौन सा नाम उनके साथ एसोसिएटेड है, ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पहले आपका एजुकेशन हो गया। देखो, एजुकेशन में क्या आएगा, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग चिल्ड्रन हैव, तो उनका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फीमेल लिटरेसी क्या है डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो इन सारे बेसिस पे क्या होता है, रिपोर्ट्स तैयार होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का डेटा लिया जाता है, और हमें पता चलता है कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। हेल्थ, इसको ऑफनली मेजर किया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, जिसको लॉन्जिटिविटी भी बोला जाता है, कि कितने जिंदा रहने के चांसेस हैं लोगों के एक पर्टिकुलर एज के बाद। लाइक 40 अबव क्या है, 40 बिलो क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके अबव क्या है, ठीक है, 60 ईयर्स तक कितने चांसेस हैं आपकी, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो वो रिलेटेड टू हेल्थ होता है। हेल्थ में आपका फिर फीमेल का पर्सपेक्टिव भी आ जाता है, जैसे रिप्रोडक्शन की बात भी होती है, ठीक है, कितनी आपकी मॉर्टेलिटी रेट्स कितनी होती हैं, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या है आपकी, तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, हेल्थ से। एम्प्लॉयमेंट रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका सारा जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें। जेंडर इक्वालिटी, इसके लिए हमारे पास रिपोर्ट्स आती है, जेंडर गैप डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, ठीक है, हमारा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आता है जो हमें बताता है जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी आपकी कंट्री में कितनी है। पीसफुलनेस, कि आपका जो माहौल है कंट्री का वो कितना पीसफुल है, कोई कंट्रीज होती हैं कॉन्फ्लिक्ट रिडन, ठीक है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट से ख़त्म नहीं होते, जहाँ पे वॉर्स इतनी सारी चल रही होती हैं, लड़ाइयाँ इतनी चल रही होती हैं, इतने वायलेंट क्लैशेस होते हैं, तो वो सारी कंट्रीज़ किस इंडिकेटर पे कैसा परफॉर्म करती है, वो चीज़ें भी देखना इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी, जहाँ डेमोक्रेसी की बात आती है दैट मीन्स आपको कितनी फ्रीडम दी जाती है, ठीक है, करप्शन कितनी है आपकी कंट्री में, और एब्सेंस ऑफ करप्शन जो है ये इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है जो क्या आपको बताता है, जो किस में आता है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है, एब्सेंस ऑफ करप्शन। मीडिया को कितनी आज़ादी दी जाती है, देखो फ्रीडम जो है अगर इससे आपको पता चलेगा आपकी कंट्री में कैसी है कि मीडिया को कितनी फ्रीडम दी जाएगी, दैट मीन्स मीडिया कितना बोल पाती है। अगर आपकी पार्टी अभी जो करंट आपकी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट अगर मीडिया को बोलने की आज़ादी है दैट मीन्स हाँ मीडिया काफ़ी हद तक फ्रीडम है। ये जो ऑपरेशंस करते हैं मीडिया, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह अगर मिनिस्टर्स पे करें या बिग ब्यूरोक्रेट्स पे करें तो कितनी फ्रीडम इनको दी जाती है, वो भी आपके कंट्री के सोशल डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है। नेक्स्ट है सिविल राइट। सिविल राइट में आता है कि कितनी आपको फ्रीडम दी जाती है, जैसे फ्रीडम आपकी फ्री स्पीच भी इसमें आ गई, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी आ गया, एजुकेशन भी आ गया, रिलीजन, वो सारी चीज़ें सिविल राइट्स, किस कौन सी कंट्री अपने सिटीजन्स को कितने सिविल राइट्स देती है वो भी उस कंट्री का एक इंडिकेटर बनता है सोशल डेवलपमेंट का। कितना क्राइम एंड सोशल अनरेस्ट है उन कंट्रीज़ में, मतलब कितने आपस में ग्रुप्स जो हैं वो लड़ते रहते हैं, एंड क्राइम रेट आपका कितना हाई है। सुसाइड रेट्स भी इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग सुसाइड करते हैं आपकी कंट्री में, दैट शोज़ कि आप किन्हीं लाइन्स पे किन्हीं इंडिकेटर्स में काफ़ी पीछे चल रहे हो। फिर कॉम्पोजिट इंडिकेटर्स ऑफ ऑल ऑफ द अबव, हम क्या करते हैं इन सब चीज़ों का एक इंडिकेटर अगर निकाल लेंगे सबका तो वो आपको क्या बताएगा क्या है इंडिकेटर आपकी कंट्री में सोशल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे होता है, लोगों का डेटा, यहाँ पे सर्वेज होते हैं, डेटा लोगों का कैलकुलेट होता है एंड देन आपका एक नंबर तैयार होता है कि आप किस नंबर पे फॉल करते हो, 0.43, 0.56 ऐसा कुछ, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है आपकी क्या रैंक है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं एक तो हमें विद इन द कंट्री भी हेल्प करते हैं स्टेट वाइज देखने में आपकी स्टेट कितनी आगे पीछे है, ठीक है, एंड ये हमें इंटर कंट्री जो है अगर हम ये चाहे कंपेयर करना इंटर कंट्रीज़ का आपस में भी कंपेयर करवाते हैं कि जैसे इंडिया, आपको पता चलता है इंडिया की रैंक क्या है किसी एक इंडेक्स पे, तो आपको पता चलेगा इंडिया से आगे कितनी कंट्रीज़ हैं, इंडिया से पीछे कितनी कंट्रीज़ हैं। जो सोशल इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट है ये आपको एक ब्रॉडर पिक्चर देती हैं ऑफ हाउ डेवलप्ड ए कंट्री इज़ एज कम्पेयर टू जो आपके प्योरली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं सच एज GDP एंड GNP जो मैंने आपको बताया, ये क्वालिटेटिव होते हैं नेचर में। देखो ये बात याद रखना, एक तो आपका ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ होता है ना उसमें आपका इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं, ठीक है, यूजुअली जो ग्रोथ होता है वो क्वान्टिटेटिव कंसिडर किया जाता है कि वो किन्हीं क्वान्टिटेटिव टर्म्स में होता है, आप उसको मेजर करते हो क्वान्टिटेटिवली। लेकिन जब आप डेवलपमेंट की बात करोगे, जहाँ भी डेवलपमेंट की बात आएगी वो क्वालिटेटिव होता है कि क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या चेंज आई इस चीज़ से। देखो हमने GDP मेजर किया तो हमें सिर्फ इकोनॉमिक वेलफेयर का पता चला कि इकोनॉमिकली इनकम वगैरह नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, तो वो एक क्वांटिटेटिव ग्रोथ थी एक कंट्री की। लेकिन जब हम इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट देखते हैं कि लोगों को कितनी फ्रीडम मिलती है, लोग कितने हैप्पीनेस में वहाँ पर जी रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन कैसी है वहाँ की, हेल्थ कैसा है वहाँ का, एंड देन आपका जेंडर इनइक्वालिटी का क्या लेवल है, वो सारी चीज़ें आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमिन करती हैं, इसीलिए इनको क्वालिटेटिव चेंजेस बोला जाता है। तो डेवलपमेंट हमेशा आप क्वालिटेटिव देखोगे एंड ग्रोथ आप देखोगे क्वांटिटेटिव। तो ये जो डेटा है वो हेल्प हमें करता है वर्ल्ड बैंक डेटा प्रोवाइड करने में काफ़ी केसेस में। एक तो इसके पास इतना सारा डेटा जो है कंट्रीज़ का होता है, इसकी कोलैबोरेशन इतनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होती हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ठीक है, ये खुद भी काफ़ी सर्वेस वगैरह पब्लिश करता है, तो प्रोवाइड्स द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन द सोशल इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। आप वहाँ से डेटा भी ले सकते हो and you can also find many specific social indicators of development within the United Nations सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. अब हमारे जो SDGs हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके अंडर भी काफ़ी आपको इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट मिलेंगे. अब मैंने वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बाद में आप बोलते हो कि मैं ज़्यादा पढ़ा रही हूँ और आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते. SDG 1 फॉर एग्जाम्पल वो नो पॉवर्टी रिलेटेड है, ठीक है. SDG 2 आपका हंगर के रिलेटेड है, ठीक है. आई थिंक SDG 4 आपका जेंडर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी है. तो ये आप नेट पे भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा SDG जो है वो आपको इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट बताता है, ठीक है. तो वो चाहो तो याद रख सकते हो सकता है एग्जाम में आ जाए, चांस क्यों लेना, सारा पढ़ के जाओ, ठीक है. तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के जो SDG हैं वो भी आपको इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट एक्ट करते हैं. अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आपके सोशल डेवलपमेंट के, इनके बारे में थोड़ी फैक्चुअल बातें भी देख लेते हैं ताकि अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए आप वो भी आराम से सॉल्व कर पाओ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेट इकोनॉमिक वेलफेयर है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट मेजर, केपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको अब रिप्लेस किया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से, जो हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है. अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा वीडियो तो आप वो देख सकते हैं, वो मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. पहले वो आपका नेट इकोनॉमिक वेलफेयर. अब देखो इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन कहाँ से बनने के चांस है. एक तो आपको कोई रिपोर्ट दी जा सकती है, कोई इंडेक्स दिया जा सकता है, उसमें आपको बताना होगा कि इंडिया की क्या रैंक है. ऐसी रिपोर्ट्स आपको काफ़ी मिल जाएंगी, पर आपको 4-5 ही याद रखनी है जो आपके काम की हैं, ठीक है, जो मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इतना तो आप नहीं याद रख सकते, कितनी रिपोर्ट्स याद करोगे, ठीक है. वो रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन उसको रिलीज करता है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, एंड हो सकता है ये जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, क्योंकि आपके टॉपिक में स्पेसिफिकली इट्स मेंशन इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, तो हो सकता है इंडिविजुअल इंडिकेटर पे थोड़ा आ जाए कि ये किस इंसान ने लाया था, ठीक है, फॉर्मुलेट किसने किया था एंड उसको रिलीज कौन करता है. तो थोड़ी बहुत चीज़ें हर स्लाइड में थोड़ा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन इसमें लेना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है. नेट इकोनॉमिक वेलफेयर जो है ये लाया था पॉल ए सैमुअल्सन एंड विलियम डी नॉर्डस ने इसको फॉर्मुलेट किया था. इसमें बेसिकली क्या है, ये आप देख रहे हो कि हमने अभी तक सोशल की बात की, तो लेकिन यहाँ पे हम इकोनॉमिक फिर से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर को एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, इसमें जो हमारा GNP होता है, जो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की थी एंड कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट की थी. क्योंकि GNP हमें जनरल चीज़ें नहीं बताता, GNP आपको क्राइम के बारे में नहीं बताता, GNP आपको पोल्यूशन के बारे में नहीं बताता, जो अगेन हिंडर करता है हमारी सोशल डेवलपमेंट को, ठीक है. तो इसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की गई एंड GNP में कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की गई एंड कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई, और उसको नाम दिया आपका नेट इकोनॉमिक वेलफेयर. अब देखो क्या क्या आइटम ऐड किए इसमें. वैल्यू ऑफ लेजर टाइम, आपको लेजर टाइम भी ज़रूरी है आपकी साइकिक डेवलपमेंट के लिए. आप हर टाइम ये काम थोड़ी करते रहोगे, ऑफिस में थोड़ी हर टाइम बिजी रहोगे, आपको लेजर टाइम भी चाहिए, तो वैसी चीज़ें ऐड की. डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज़, DIYs जिनको बोलते हैं, अपने थोड़ा क्रिएटिविटी इन्हांस करने के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहते हो ना. जैसे घर में हम क्या करते हैं, कोई फ्लावर वास बनाया, कोई क्राफ्टिंग एक्टिविटी की, कोई की चेन बना दी खुद ही वेस्ट प्रोडक्ट से, तो उनको हम DIYs करना बोलते हैं, ठीक है. या अंडरग्राउंड इकोनॉमी, इसमें आपकी वो वाली एक्टिविटीज़ आती हैं जो आपके टैक्स के अंडर नहीं आती, वो रिपोर्ट नहीं होती हैं. अब ये इलीगल भी हो सकती हैं, लीगल भी हो सकती हैं. इलीगल हमारा काम नहीं है, हमें लीगल देखना है. लीगल फॉर एग्जाम्पल आप किसी की बेबी सिटिंग करने जाते हो, वो आपको कुछ पैसे देती है, तो दैट मीन्स आप कहीं रजिस्टर्ड एम्प्लॉय नहीं हो, आप कहीं जा रहे हो, किसी के घर में जा रहे हो, काम कर रहे हो, बेबी सिटिंग कर रहे हो, वो आपको कुछ पैसे दे रहा है, तो आपका जो भी आप कमा रहे हो ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी में आएगा, क्योंकि ये आपको इसमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है और आपको कहीं पर रिपोर्ट नहीं करना पड़ता कि मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है. तो अंडरग्राउंड इकोनॉमी का लीगल पार्ट एंड डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज़, वैल्यू ऑफ लेजर टाइम, इन सबको किसमें इंक्लूड किया, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर में, ठीक है. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये किसने फॉर्मुलेट किया था, मॉरिस डी मॉरिस ने, एंड पब्लिश उसको पहली बार किया 1979 में. अगर आप याद रखना चाहो ईयर तो रख सकते हो, अगर आपके लिए डेट्स ओवरवेलमिंग हो रही हैं तो याद नहीं रखो, सिंपल सी चीज़ है. अगर आप परेशान हो रहे हो कि ज़्यादा पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, कम पढ़ो, ठीक है, और फिर छोड़ दो किसी के भरोसे कि एग्ज़ाम में क्या करोगे. एंड अगर आप में कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है और आप नहीं चाहते कि कोई भी एरिया आप मिस करो, तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना. PQLI जो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें हम 3 इंडिकेटर्स देखते हैं, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1. एज 1 तक कितने चांसेस हैं 0 से 1 तक बच्चे के ज़िंदा रहने के. इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, इन्फेंट की जो डेथ रेट है वो क्या होती है, एंड लिटरेसी जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है. तो इन तीन इंडेक्सेस को यूज करके, इन तीन इंडिकेटर्स को यूज करके हम क्या निकालते हैं? PQLI, दैट इज योर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार ये जो रिपोर्ट है पब्लिश की थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इन 1990। तो इसके क्या डायमेंशन है? लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, दैट इज योर लॉन्जिटिविटी भी इसको बोला जाता है कि कितना आप जिंदा रहोगे या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और नॉलेज, दिस इज रिलेटेड टू योर एजुकेशन एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकलता है इससे, एक एजुकेशन इंडेक्स निकलता है जिसमें दो चीज़ें आती हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वन, एंड सेकेंड इज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, कितना एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एक बच्चे से होता है, फिर एक्चुअली में वो कितनी स्कूलिंग जो है वो अटेंड करता है, एंड एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वहाँ से आपका GNI इंडेक्स निकलता है, और ये बनता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशल डेवलपमेंट का ये इंडिकेटर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके इंडिकेटर्स क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है, ये तीन, एंड देन ये फर्दर इसके 1, 2, 3, 4 इसके इंडिकेटर्स हैं। अब HDI जो है ये हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है, ठीक है, लेकिन ये हमें मेल फीमेल का अलग नहीं बताता है। इससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है। इस वजह से क्या किया गया, हमें एक जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी चाहिए थी, तो एक जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स को लाया गया, ठीक है, ये भी HDR के थ्रू ही लाया गया, और एनुअली इसको पब्लिश करता है आपका UNDP। इसमें क्या होता है, इसके जो इंडिकेटर्स डायमेंशंस है वो सेम एज HDI हैं। तो बेसिकली आप यहाँ देखो करते क्या है, ये जो आपका HDI है ये हम मेल्स का अलग निकालते हैं, एंड ये HDI आपका फीमेल्स का अलग निकलता है, फिर बाद में उसमें जेंडर इक्वालिटी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, मेल्स का कितना है फीमेल्स का कितना है। तो बेसिकली आप इसमें क्या कर रहे हो, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में आप HDI फॉर मेल्स निकालते हो अलग, एंड HDI फॉर फीमेल्स निकालते हो अलग। तो उससे आपको क्या पता चलता है, इनइक्वालिटी में आप कितना जो है बाकी कंट्री से कंपैरिजन में आगे या पीछे हो। और एक आता है आपका जिसको GEM भी बोलते हैं, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, एम्पावरमेंट। अब हमने क्या किया, अभी तक जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं GDI, उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, बेसिक कैपेबिलिटीज जो है, लाइक आपका एजुकेशन क्या हो गया, एजुकेशन में कितना आप आगे पीछे हो, ठीक है, स्कूलिंग में कितना आगे पीछे हो, आपका एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी क्या है, या बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आपको मिल रही हैं कि नहीं। अब एम्पावरमेंट में थोड़ा उनको एम्पावर करने की बात की, तो इसमें इन्होंने क्या चीज़ें ऐड की कि उसको उनको पार्टिसिपेट करवाना है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में, और 3 इंडेक्सेस के बेसिस पे इसको कंप्यूट किया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग वुमेन की ये देखी जाती है इसमें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग वुमेन की। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी कह सकते हो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितनी है वुमेन की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, एंड देन उनका कितना पावर है ओवर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड की गई एम्पावरमेंट मेजर में, जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इन जनरल नहीं थी, वो आपको बेसिक बेसिक चीज़ों में बताता था वुमेन और मेन में कितना डिफरेंस है, फिर वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते थे कंट्री वाइड वो डिफरेंस, वर्ल्ड वाइड वो डिफरेंस कैसा है। लेकिन एम्पावरमेंट में आपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है ये वाली चीज़ें भी ऐड की, एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, पावर ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये सारी बातें आप इसमें लेके आए। जो UNDP है अपनी HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में उनने और एक चीज़ डेवलप की जिसको न्यू मेजर ऑफ सोशल डेवलपमेंट बोला गया, और वो क्या था आपका कैपेबिलिटी, पावर्टी मेजर, ठीक है, टाइटल लिखना भूल गए यहाँ पे, CPM। तो ये किस चीज़ पे फोकस करता है, 3 बेसिक कैपेबिलिटीज पे फोकस करता है। पहला है कैपेबिलिटी टू बी वेल नरिश एंड हेल्थी, दैट मीन्स पहला जो है वो रिलेटेड टू हेल्थ है इसमें। दूसरा डायमेंशन जो है वो रिलेटेड टू हेल्थी रिप्रोडक्शन है, तो वो रिप्रोडक्शन रिलेटेड है, ठीक है, तो किसके रिलेटेड होगा, वो वुमेन के रिलेटेड होगा मोस्टली। एंड थर्ड वन जो है वो इज रिलेटेड टू योर एजुकेशन एंड नॉलेजेबल, जो रिप्रेजेंट होता है फीमेल लिटरेसी से, ठीक है। तो जो फर्स्ट डायमेंशन है हेल्थ, वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं ये, कि कितने बच्चे हैं अंडर 5 years ऑफ एज जो अंडरवेट हैं, ठीक है, हेल्थ में कितने बच्चे हैं जो अंडरवेट हैं, लेस देन 5 years, ठीक। और हेल्थी रिप्रोडक्शन में क्या देखा जाता है, कितनी जो बर्थ ये हैं वो अनअटेंडेड रह जाती हैं बाय ट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेशनल, वो आपका हेल्थी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बताता है कि आपको जरूरत नहीं पड़ती है, कितनी बर्थ्स हैं वो कितना प्रपोर्शन ऑफ बर्थ है जो अनअटेंडेड होता है बाय ट्रेन्ड हेल्थ पर्सनल्स, ठीक है। एंड थर्ड वन इज रिलेटेड टू योर फीमेल लिटरेसी। तो वो ये तीन इंडिकेटर्स हैं किसके, कैपेबिलिटी पावर्टी मेजर के। ये सारी चीजें आप इसमें कैलकुलेट करते हो। तो आपको क्या बेसिकली इन स्कीम, इन मेजरमेंट्स में, इन रिपोर्ट्स में एंड इंडेक्सेस में देखना है कि आप इसमें क्या सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करते हो, किसकी रिपोर्ट आप बनाते हो, किसके बेस पे वो इंडेक्स तैयार करते हो। तो सीपीएम में क्या है जो हमने अभी पढ़ा, पहला आपका हेल्थ है जो बताएगा कितने बच्चे बिलो 5 years जो अंडरवेट हैं, सेकंड आपको बताएगा हेल्थी रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड थर्ड आपको बताएगा फीमेल लिटरेसी के बारे में। आप कौन सा मुश्किल है ये चीज याद रखना, HRF। तो CPM आपको क्या बताता है, HRF, ठीक है। एक हेल्थ हो गया, एक रिप्रोडक्शन हो गया, एंड एक आपका फीमेल लिटरेसी हो गया। कुछ और इंडिकेटर्स देखते हैं। सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कंस्ट्रक्ट किया था बाय यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑन सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UNRISD। और इसमें आपको 16 कोर इंडिकेटर्स आते हैं। वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, आपको इतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ वो 16 इंडिकेटर याद रखोगे, वो याद रखना बेवकूफ़ी भी होगी। तो जिनके कम कम होते हैं, जैसे 3-4, वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन अब 16 हो गए, किसी के आपको 89 भी देखने को मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ह्यूमन सफरिंग इंडेक्स। ये इंडेक्स को फॉर्मुलेट किया था वॉशिंगटन बेस्ड पॉपुलेशन क्राइसिस कमेटी ने, एंड इसको पब्लिश किया था 1987 में। तो ये क्या करता है, ये मेजर करता है डिफरेंसेस इन द लिविंग कंडीशन अमंग कंट्रीज। लाइक कोई इंडिया में रहता है तो उसके कैसे हालात हैं, उसकी लिविंग कंडीशन कैसी है, कोई बांग्लादेश में रहता है उसकी लिविंग कंडीशन कैसी है, कोई यूरोपियन कंट्रीज में रहता है उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है। वो हमें कैसे पता चलता है, इंटरनेशनल ह्यूमन सफरिंग इंडेक्स से। इसमें क्या होता है, हर कंट्री का जो इंडेक्स होता है वो 10 मेजर्स पे कैलकुलेट होता है। आप बोल सकते हो इनके 10 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, एंड 4 डायमेंशंस हैं। किन डायमेंशंस पे, कि उनकी इकोनॉमी कैसी चल रही है कंट्री की, पॉपुलेशन का क्या हाल है, दैट इज योर डेमोग्राफी, हेल्थ वाइज जो है सिटीजन उनका क्या हाल है, एंड गवर्नेंस जो है कंट्री की वो कैसी चल रही है, ठीक है। इन 4 डायमेंशंस पे और 10 इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये आपका जो IHSI है वो मेजर होता है। जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये क्या देखता है, ये देखता है आपका सोशल एंड इकोलॉजिकल, दैट मींस आपके एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। और ये कौन, किसने फॉर्मुलेट किया था, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं रीडिफाइनिंग प्रोग्रेस, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ये मेजर करता है, ये जो अपनी रैंकिंग देता है वो देता है 6 की फैक्टर्स पे, जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है काफी। सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरॉसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन। आपकी कंट्री इन 6 चीज़ों पे, इन 6 फैक्टर्स पे कैसी चल रही है, वहाँ कितनी फ्रीडम है, वहाँ का हेल्थ कैसा है, जेनरॉसिटी कितनी है, करप्शन कितनी है, इनकम कितनी है, इस बेसिस पे वो क्या करते हैं, एक इंडेक्स रिपोर्ट तैयार करते हैं। और ये डेवलप करता है आपका UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में UNSDSN करके भी लिखा जाता है। नेक्स्ट इज योर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये कौन कैलकुलेट करता है, दिस इज रिलीज बाय आपका कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्ड लाइफ हंगर, ठीक है। तो इसमें 4 इंडिकेटर्स हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी। इस बेसिस पे कैलकुलेट होता है कि आपकी जो कंट्री है उसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना है, फाइन। तो अंडर नरिशमेंट में क्या आता है, कैलोरी इनटेक आपकी सफिशिएंट है कि नहीं। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, इट मीन्स बिलो द एज ऑफ 5, वो बच्चे जिनकी जो हाइट होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू देयर एज। 4 years के बेबी को कितना होना चाहिए हाइट वाइज, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कम होती हैं, जितना होना चाहिए उससे वो कम होता है बच्चा। ये किसकी वजह से होता है, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से। चाइल्ड वेस्टिंग में क्या होता है, उनका लो वेट फॉर देयर हाइट, दैट मीन्स लो वेट टू हाइट रेशियो होता है उनका, कि हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए उससे उनका कम होता है। चाइल्ड मॉर्टिलिटी होता है 5th बर्थडे पे जो बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपके इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। ये 4 इंडिकेटर्स हम देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंडर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब और एक चीज़ है आपको देखनी है यहाँ पे, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी स्टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अभी रिसेंटली जो रिलीज हुई थी ये रिपोर्ट उसमें इंडिया ने कैसा किया वो भी आपको देखना है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है फॉर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट इज मेड बाय आपका इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव. ठीक है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मेजर करती हैं. इसमें क्या देखा जाता है, 12 कंपोनेंट्स अक्रॉस 3 क्रिटिकल डायमेंशंस. कौन से डायमेंशंस? बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी. और इसके 89 इंडिकेटर्स हैं. ये चीज़ आप याद रख लेना. अगर यही तीन चीज़ें याद रखोगे, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी है, उस पर आपकी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है. अब जो बेस्ड ऑन द एसपीआई स्कोर्स इंडिया ने अपना डेटा रिलीज किया है, ठीक है, रिलीज्ड, वो किसने ये जो डेटा है, ये रिपोर्ट जो बनाई थी वो किसको दी गई थी? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को, इंडिया के. ठीक है, तो उन्होंने ये अपने वेबसाइट पे डेटा दिया है, तो आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है. तो जो टियर्स हैं, इन्होंने जो भी सोशल प्रोग्रेस इंडिया में हो रही है उसको 6 टियर्स में डिवाइड किया है. वो वाली स्टेट्स जो टियर 1 में आती हैं जहाँ पे वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस हो रही है, जो स्टेट्स टियर 2 में आती हैं वहाँ पे हाई सोशल प्रोग्रेस हो रही है, टियर 3 वाली अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, tier 4 is your lower middle social progress, tier 5 is your low social progress and tier 6 is your very low social progress. ठीक है, अब आपके लिए देखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद आपको जान के थोड़ी खुशी होगी, जो tier 2 है हाई सोशल प्रोग्रेस, उसमें जम्मू एंड कश्मीर जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है. और जम्मू एंड कश्मीर का सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स क्या है? 60.76 और रैंक इसकी 10 आती है. ठीक है, और इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स बोला गया है पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा को, एंड 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आइजवाल जो मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट है, सोलन जो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, एंड शिमला जो अगेन हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है. तो हिमाचल प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में टॉप में तो नहीं आती, टॉप 3 में एटलीस्ट, लेकिन उसके जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 2nd और 3rd नंबर पर आते हैं. और आइजवाल जो है मिजोरम का, वो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है. तो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आप याद रख लेना. और इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड, वो 110 आउट ऑफ 168 नेशंस है. ठीक है, तो यहाँ पे डेटा मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था. आप थोड़ा ये देख लेते हैं रिपोर्ट. ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन करता है रिलीज? कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेट लाइफ हंगर. इसका ये देख लो रैंक इंडिया की क्या है, तो यहाँ पे इंडिया रैंक आपको मिलेगी, यहाँ पे कौन रिलीज करता है एंड यहाँ पे रिपोर्ट का नाम. अकॉर्डिंगली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसकी 126 रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132, PQLI 117 एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 127. तो ये 3-4 रैंक्स है, यही आपको याद रखनी है. ठीक है, और SPI का ये याद रख लेना क्योंकि इसमें J&K आता है. तो इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट यही कंप्लीट होता है. इसके साथ हमारा यूनिट 4 जो है 99% कंप्लीट हो गया है. बस एक चैप्टर रहता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी. Till the time I upload next video, bye-bye, take care, have a great day.